नमस्कार, 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये टोपी आप में से ही मुझे किसी ने भेजी है, सो देखिए आपके भेजे गिफ्ट और तोहफे मैं बहुत दिल से उनका सम्मान करती हूँ और उनका प्रयोग भी करती हूँ। जैसा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो टोपी पहनना बनता भी है। आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक कवि था, बड़ी अच्छी कविताएँ लिखता था, लेकिन कवि था, कविताएँ लिखता था, ये राजा महाराजाओं के ज़माने की कहानी है, लेकिन उसकी कविताएँ किसी को पसंद नहीं आती। वो लिखता बड़ा अच्छा था, देशभक्ति की बात करता था, ईश्वर की बात करता था, लेकिन उसका दिनचर्या नहीं चल पा रही थी, खाने को नहीं मिलता था, भूखा रहता था। तो एक दिन एक राजे के पास से गुजरा तो उसे पता चला कि राजा को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। तो उसने सोचा चलो भाई राजा की तारीफ की जाएगी और राजा को कहाना जो है राजा के उसमें मैं कुछ खास बातें कहूँगा, कविताएँ लिखूँगा। वो राज दरबार पहुँच गया, पूरा राज दरबार लगा हुआ था, राजा के बारे में उसने तारीफें करनी शुरू करी, ऐसी ऐसी कविताएँ बोली कि भाई खुश हो गया राजा। उसकी नज़र अचानक से एक जो है पर्दे पर पड़ी। उसे समझ में आया कि इस पर्दे के पीछे रानी बैठी हुई है। उसने रानी के लिए कविताएं बोलनी शुरू करी। अब राजा और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गया क्योंकि अब वो रानी की तारीफ़ कर रहा था। रानी के पर्दे के पीछे से बहुत ज़्यादा तालियों की आवाज़ आई, रानी भी बेहद खुश थी। आज वो खुश था और मन ही मन में ये सोच रहा था चलो कम से कम एक महीने के भोजन का इंतज़ाम हो गया। अब राजा मुझसे इतना खुश हो गया कि अपने राज दरबार में शायद राज कवि मुझे रख ले और मेरा पेट भर जाए। मंत्री सारा राज दरबार उसकी सब बातें सुन रहा था, लेकिन राजा की एक आदत थी। वो कहते ना अगर मंत्री से मिलना है तो संतरी के पास पहले जाना पड़ेगा। राजा की एक आदत थी कि राजा किसी को कोई भी नाम देने से पहले अपने मंत्री की सलाह ज़रूर लिया करता था। तो राजा ने सोचा कि मैं आधा राज दरबार उसको दे दूँ क्योंकि इतनी अच्छी कविताएं उसने कभी सुनी नहीं थी और वाकई में वो बहुत अच्छी कविताएं बोलता था। तो राजा ने कहा भाई बताओ इसे क्या तोहफा दिया जाए। मंत्री ने 2 मिनट तक सोचा, सोचते सोचते बोला इसे 4 जूते मारकर राज दरबार। अब ये बात सुनकर तोते उड़ गए, उसके कवि के भी और राजा को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपने वादे पर मजबूर था। वो पूरे राज दरबार के सामने हर बार यही बात साबित करता था कि जो मंत्री सलाह देता है मैं वही मांगता हूँ। तो वही पहले नहीं होता था ऐसा, राज दरबार की बात होती थी, जो राजा ने कह दिया मंत्री ने कह दिया एग्जैक्टली वही हुआ और उसको 4 लाते मारकर राज दरबार से बाहर निकाल दिया गया। ये बड़ा परेशान था लेकिन राज दरबार के बाहर ही बैठा हुआ था। जैसे ही मंत्री अपने घर के लिए निकला ये उसका चुपके पीछे करने लगा। मंत्री घर पहुंचा तो मंत्री की पत्नी ने कहा भोजन दे दूं, बोला आज मेरा भोजन करने का मन नहीं है, आज एक महान कवि को 4 जूते मर पड़े हैं मेरी वजह से, मैं इस पाप का बोझ अपने सर पर उठा नहीं पा रहा हूं। और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इधर ये कवि बाहर खिड़की पर खड़ा हुआ सारी बात को सुन रहा था। तो उसने बोला जब वो इतना महान था तो आपने ऐसा काम क्यों किया, उसे जूते क्यों पड़वाए आपने। तो मंत्री ने बोला मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरी बात ध्यान से सुनो, वो बहुत अच्छी कवि थी। मंत्री की पत्नी ने बोला जब वो इतना ही अच्छा था तो हमने जूते क्यों पड़वाए उसे। तो उसने बोला सुनो वो एक बहुत अच्छा और टैलेंटेड कवि है, बहुत अच्छा कवि था, बहुत अच्छी बात बोल रहा था, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कमी थी कि वो राजा की तारीफ़ें कर रहा था, वो रानी की तारीफ़ें कर रहा था, उनकी नौकरी चाकरी कर रहा था, अपने हुनर को वो बर्बाद कर रहा था और वो परमपिता परमात्मा ईश्वर जिसने हमें बनाया है उसकी बारे में उसने एक भी तारीफ में कविता नहीं गाई। जिस भगवान ने राजा को बनाया उसकी तारीफ में एक कविता नहीं गाई। अगर आज मैं उसे इनाम दे देता तो आपको पता है क्या होता, उसको ये इनाम लेने की आदत हो जाती और वो आज इनकी, इसके बाद दूसरे राजा की, दूसरे राजाओं के बच्चों की, इनकी तारीफें करता रहता और भगवान के को बिल्कुल भूल जाता। उसे आराम की और तारीफें करने की, नौकर चाकरी करने की आदत हो जाती। और मैं नहीं चाहता था कि देश का इतना बड़ा कवि देशभक्ति की बातें और उससे भी ज़्यादा भगवान की बातें करना भूल जाए, इसलिए उसको सही सलाह सिखाने के लिए मैंने ये कर। इधर ये कवि खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था, वो मंत्री के पैरों में जाकर गिर गया, माफ़ी मांगने लगा और बोला मुझे समझ में आ गया कि नौकरी चाकरी किसी मंत्री और संतरी या राजा की नहीं करनी, परमपिता परमात्मा की करनी है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद जो भी कुछ लिखूँगा ईश्वर के लिए और देशभक्ति में लिखूँगा। इस तरह से एक बंद आँखों को खोला मंत्री ने। कई बार ईश्वर भी आपको सज़ा देता है लेकिन आपको कुछ बड़ा करने के लिए सजा देता है। अपने परमपिता परमात्मा पे विश्वास रखिए, कहानी को अपने बच्चों को सुनाइए और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, परमपिता परमात्मा से ऐसी कामनाएं। और दिल से इस टोपी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। कमेंट्स में जय माता दी।